तो देखिए विदाउट द वीएसटी ये अरेंजमेंट ना डल लग रहा है और नॉन रिदमिकल लग रहा है। सिर्फ अगर मैं इसके साथ वीएसटी है उसको एनेबल कर देता हूं तो ये कैसा साउंड करता है। हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसा एक वीएसटी लेके जो हर एक गाने में मैं यूज करता हूं और आप भी यूज करने वाले हैं। ये गाने का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको हम ओवरलुक कर देते हैं और कोई अच्छा वीएसटी इसके लिए मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने सारे सपोर्टिंग परकशंस होते हैं उसको लेके, जैसे शेकर्स, मैरकस, क्लैप्स, ये सारे जो साउंड्स हैं इसके बिना कोई भी गाना अधूरा है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर वीएसटी है नहीं अब तक। अभी आज वो वीएसटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका फ्री वर्जन भी है जो आप फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कैसे इसको यूज करना है और कितने अच्छे से आप इसके साथ एकुस्टिक सॉन्ग्स बना सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो है शेकर, मैराकस, ये सारे जो सपोर्टिंग परकशंस हैं, ये खास करके एकुस्टिक गाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई भी एकुस्टिक सॉन्ग्स बनाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप सिर्फ एक गिटार रिकॉर्ड करते हैं, गिटार कवर्स बनाना चाहते हैं या फिर आप पियानो कवर्स बनाना चाहते हैं सिर्फ एक दो इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वहां पे फुल जो ड्रम्स हैं उसको यूज करना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। आप उसकी जगह पे अगर एक अच्छा सा शेकर यूज करते हैं, अच्छा सा टैंबूरिन यूज करते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है आपका बहुत खुल के बाहर आता है। लेकिन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जो हर एक गाने में लगभग चाहिए होता है, उसके लिए कोई प्रॉपर वीएसटी नहीं है। इसलिए क्या होता था, अभी तक मैं क्या करता था कि मेरे पास एक शेकर का या फिर आप मैराकस बोल सकते हैं, मैं हमेशा उसको ही यूज करता था। इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन फिर भी इसके जो आर्टिकुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिकली उसको कैप्चर कर पाना इतना मुश्किल है कि कभी भी मैं उसके लिए वीएसटी यूज नहीं करता था। लेकिन रिकॉर्ड करने में क्या होता था, अच्छे से माइक्रोफोन को सेटअप करना, फिर अच्छे से उसको प्रॉपरली बजाना, ये सब कुछ, ये सारे चैलेंजेस आ जाते थे। आज मुझे ऐसा एक वीएसटी मिला है जिसके साथ मुझे इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े। ये जो वीएसटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है शिमर शेक स्ट्राइक 2। इसका एक फ्री वर्जन भी है जो है फ्रूट शेक। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। देखिए, ये जो गिटार का और वायलिन का अरेंजमेंट है, खास करके एकुस्टिक गाने में आपको बहुत बार ऐसा अरेंजमेंट चाहिए होता है, तो ये जो गाना है बहुत सॉफ्ट गाना है, तो यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि आप फुल प्रूफ ड्रम्स यूज नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे शेकर या टैंबूरिन यूज करना पड़ता है। तो वहां पे भी अगर आप सिंगल शेकर यूज करते हैं तो आपका जो अरेंजमेंट बनेगा, अगर आप डबल शेकर यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से वो खुल के बाहर आता है। तो देखिए, शिमर स्ट्राइक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ये सारे नुआंसेस को बहुत ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। मैंने अभी तक इसके ऊपर इतना डिटेल्ड वीएसटी अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि इसके इंटरफेस में, फिर आपको कैसे इसको यूज करना है इजिली वो तो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो लाइब्रेरी है ये बहुत बड़ा है। ये मैं आपको पेड वर्जन का बता रहा हूँ, पेड वर्जन और फ्री वर्जन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये पेड वर्जन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बताता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे राइट साइड में जो है ये पेड वर्जन और लेफ्ट साइड में जो है ये है फ्री वर्जन। फ्री वर्जन में क्या होता है कि आपका जो साउंड लाइब्रेरी है ना ये थोड़ा लिमिटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार तरह की यहाँ पे शेकर हैं, सिर्फ शेकर ही हैं, एप्पल, लेमन, ऑरेंज, कैरेट, ये सारे फ्रूट्स के नाम नहीं है वैसे, ये एक्चुअली शेकर के नाम है। अगर आपको पता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेकर्स होते हैं, जो बनाना शेक बोला जाता है या फिर एप्पल शेक बोला जाता है, तो ये डिफरेंट तरह के शेकर्स हैं, इसके साउंड बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो देखिए, बनाना शेक को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे लेमन कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा और भी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है। पेड वर्जन है, यहाँ पे एक्चुअली जो लाइब्रेरी है ये बहुत बड़ा है। आपके पास तीन कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एक है शिमर, दूसरा है शेक, तीसरा है स्ट्राइक। तो शेक जो है यहाँ पे डिफरेंट तरह के शेकर्स हैं, सारे जो शेकर्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे है स्ट्राइक, स्ट्राइक में आप देख सकते हैं कि इतने तरह के जो वुडन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आप किसी से कुछ को हिट करना पड़ता है, जैसे कि ट्रायंगल्स या फिर मेटलिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। शिमर जो है ये ज्यादातर टैंबूरिन के लिए है, कितने तरह के टैंबूरिन, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के टैंबूरिन यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लैप्स हैं, बहुत तरह के क्लैप्स और स्नैप्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ये वाला है तो आपको सपोर्टिंग परकशंस के लिए कंप्लीट जो ग्रुप है उसके लिए और कोई भी वीएसटी होने की जरूरत नहीं है। फ्री वर्जन में आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, यहाँ पे जो बेसिक शेकर है वो ही साउंड आपको मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी मैं इसका जो वर्किंग है
उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक साउंड करता है और इतना अच्छा है। तो इसके लिए मैं जाना चाहूंगा पैटर्न सेक्शन में। पैटर्न सेक्शन में आप जा सकते हैं, फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में, दोनों में आपको सेम तरह के पैटर्न सेक्शन मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट इतना छोटा है लेकिन इसके जो नुआंसेस हैं कितना ज्यादा है। आपके पास जो शेकर या फिर कोई भी ऐसे टैंबूरिन इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप कैसे बजाते हैं कि हाथ को आप आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं अल्टरनेटिवली, और ये जो मूवमेंट है ये रिदमिकली होना चाहिए, इसमें स्विंग हो सकता है, और इसमें जो आपका हिट है मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, उसके ऊपर जो डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स हैं वो बाहर आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं पे इसको जोर से हिट करने वाले हैं तो उसके आसपास के जो हिट्स हैं, उसके आसपास के जो मेरा जो पुल बैक होता है और पुश बैक होता है, उसके वेलोसिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आप एक ही सैंपल लेके ऐसे चिकी 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 करते जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें रियलिज्म नहीं होता है। यहाँ पे जो पैटर्न सेक्शन है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, वेलोसिटी लेवल पे इसको मूव कर सकते हैं, और अगर आप इसको मूव करते हैं तो इसका जो इंजन है वो क्या करता है, इसके आगे और पीछे का जो साउंड है उसको बदल देता है। और यहाँ पे कस्टम पैटर्न डिजाइन करना इतना ईजी है कि आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ट्रिल ऐड करना, थोड़ा सा जो शेकर के जो मूवमेंट्स हैं वो ऐड करना, वो भी आप कर सकते हैं। इसको और आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे पैटर्न्स हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो सबसे कॉमन पैटर्न है शेकर की वो यहाँ पे लोड हो जाता है, इसको आप सिंपली प्ले कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना रियलिस्टिक ये साउंड है और कितना ज्यादा यूजफुल ये साउंड है, बहुत ज्यादा हर एक गाने में यूज होता ही रहता है। अभी सारे जो एंसेंबल हैं, इसका जो एंसेंबल है इसका साउंड कुछ और ही लेवल पे जाता है। इसको आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं, मतलब यहां पे आप तीन इंस्ट्रूमेंट का एक एंसेंबल बना सकते हैं। जो फ्री वर्जन है यहां पे आप दो इंस्ट्रूमेंट का एंसेंबल बना सकते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली नीचे देख सकते हैं आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्री वर्जन में थोड़ा कम कंट्रोल है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पैटर्न्स हैं इसको आप पैटर्न मोड में बजा सकते हैं, सारा बजेगा, और इंडिविजुअली भी बजा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सॉरी दिस वन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द स्विंग। स्विंग अगर आप सेट करते हैं तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो और एक बहुत अच्छा जो फीचर है वो है कि ये सारे जो टाइम सिग्नेचर हैं इसको कवर करते हैं। वेस्टर्न वीएसटीज में खास करके मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जो होता है वो 4x4 बेस्ड होता है। इसके अलावा भी और भी टाइम सिग्नेचर्स हैं, वहां पे अगर आप करना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे एक्चुअली आप यहाँ पे ग्रिड जो है, स्टेप साइज जो है, इसको 12 कर सकते हैं या फिर 16 कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 4x4, 3x4, 12x4 सारा यहाँ पे कवर्ड है, 6x8 आप बोल सकते हैं यहाँ पे कवर्ड है। इसका जो फील है यहाँ पे फील दिया हुआ है, तो ये फील थोड़ा क्या होता है कि ह्यूमन फीलिंग थोड़ा ऐड करता है यहाँ पे। और इसके साथ एक और ह्यूमनाइज फंक्शन आपको मिल जाता है इंडिविजुअली हर एक ट्रैक में। ये जो है ग्लोबल है और ये जो है इंडिविजुअल है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है वो है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, पैटर्न के प्रीसेट तो है ही, या फिर आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं ऊपर में कॉन्टैक्ट का जो यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x4, 4x4, 4x4, 5x4, 6x8 सबके लिए अलग अलग पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। 4x4 ट्रिपलेट फिलिंग में अगर मैं जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैं बोल रहा था, सारे जो टाइम सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे कवर्ड हैं, जो कि जनरली और कोई भी VST में इतना डिटेल में कवर नहीं रहता है। 5x4, 6x8 के भी पैटर्न हैं अगर आप चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं कितने सारे पैटर्न हैं 5x4 के, मैंने और कोई VST में इतना देखा नहीं है। और ये जो फ्री वर्जन है ना, यहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ पैटर्न थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपको मिल जाते हैं यहाँ। अगर आपको शेकर बजाना नहीं भी आता है फिर भी आप यहाँ पे 4x4 का ट्रिपलेट पैटर्न सारा जो है यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं, इसको बजा सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है जो है मिक्सर सेक्शन, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपके पास EQ है, तो देखिए कितना डिटेल्ड EQ है, लो लो मिड्स, लो हाई मिड्स और हाई, चार आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप इसको सोलो करके चलाना चाहते हैं, देखिए मैं इसको सोलो करता हूँ और प्ले करता हूँ और हाईज को यहाँ पे बढ़ाता हूँ, तो कितना यहाँ पे बढ़ जाता है हाईज जो है। तो लोज जो है आप कट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। फिर यहाँ पे एक्चुअली एक हाई पास लो पास फिल्टर दिया हुआ है, तो देखिए ये है हाई पास और ये है लो पास। पिच आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के लिए आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं
और नीचे जो है नीचे मास्टर सेक्शन है जहां पे आप जो मास्टर इफेक्ट्स हैं उसको डिजाइन कर सकते हैं। वो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे सेंट्स भी हैं एक्चुअली, डिलेज रिवर्ब जो है आप इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं, और रिवर्ब के लिए कौन सा एल्गोरिदम है वो आप नीचे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और मास्टर के लिए आप यहाँ पे जो आपका मास्टर इफेक्ट्स हैं जैसे कि EQ, मास्टर डिले, मास्टर कंप्रेशन, टेप सैचुरेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, विच इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और यहाँ पे और एक चीज है जो सिर्फ आपको प्रोफेशनल वर्जन में मिलता है, जो पेड वर्जन है उसमें मिलता है, वो है मिडी ड्रैग एंड ड्रॉप का फैसिलिटी। जो फ्री वर्जन है यहाँ पे अगर आपको ये बजाना है तो आपको कैसे प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसको नीचे नोट्स दिया हुआ है ना, ये नोट को आपको बजाना पड़ेगा। कितना अच्छा साउंड करता है ना, दिस इज द मिडी ड्रैग फीचर इन द पेड वर्जन। शेकर 2 में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो पूरा का पूरा जो मिडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका सुविधा ये, आपको कहीं पे भी खुद का पैटर्न डिजाइन करना है और टाइम सिग्नेचर जैसे कि 7x4 हो गया या फिर 11x8 हो गया, ये सब में अगर आपको बनाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था शिमर शेक स्ट्राइक। जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एकुस्टिक गाने बनाते हैं, एकुस्टिक कवर्स बनाना चाहते हैं, पियानो के साथ गिटार के साथ आप गाना गाना चाहते हैं, तो ये वाला VST आपको चाहिए ही चाहिए। दोनों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आगे से शायद मैं कभी भी अपना जो शिकर है उसको रिकॉर्ड ना करूं, हमेशा मैं शायद हर एक गाने में इसको यूज करने वाला हूं। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो आप जा सकते हैं sinacademy.com पे। अगर आपको लाइव क्लासेस करना है या फिर जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं उसको एक्सेस करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाकी के जो फ्री VSTs का प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस VST, दिस इज रियली रियली अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।